हरियाणा के किसानों और मधुमक्खी पालकों के लिए कुरुक्षेत्र के रामनगर में बनने वाले देश का पहले एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र वरदान साबित होगा। इस मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। अहम पहलू यह है कि इस उद्घाटन सत्र में इसराइल के राजदूत डैनियल कारमोन और हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ भी पहुंचे। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, विधायक सुभाषुदा, विधायक डॉ. पवन सैनी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने कहा कि इसराइल की विद्या को अपनाना होगा। आज बड़ी तेजी से कृषि में इसराइल आगे बढ़ रहा है। आज फसल विविधीकरण को अपनाना होगा। आज यह पांचवा सेंटर कुरुक्षेत्र में जो खोला गया है उससे लोगों में जागरूकता आई। अगले साल हरियाणा के 32 बी कीपिंग सेंटर होंगे और अभी फिलहाल 13 सेंटर है। हरियाणा में आज हमें इसराइल से बहुत कुछ सीखना है। किसान का बेटा ही खेती कर सकता है। आज रासायनिक खाद से उत्पादकता घट रही है। सीएम ने इसराइल को गीता जयंती के लिए भी आमंत्रित किया। किसान किसान है, उसकी हानि हानि है, उसकी भरपाई पूरी नहीं हो सकती भले ही, लेकिन कम से कम इतना जरूर उसका सहयोग करे ताकि वो किसी प्रकार के आगे की फसल बोने से वंचित न रह जाए। तो जब ट्रेडिशनल फसलों से हटना है तो हमको विविधीकरण इसकी तरफ जाना पड़ेगा। आज के लिए कुरुक्षेत्र से सुनील कुमार मुख्यमंत्री जी, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।